वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। तो आज मैं आप सबके लिए एक और कहानी लेके आई हूँ और इस कहानी का नाम है नीला सियार। और कहानी कुछ ऐसी है, एक समय की बात है, एक जंगल में एक सियार रहता था। वो रोज़ ढूंढने जाता था कि उसको कुछ खाने के लिए मिल जाए, उसको कोई शिकार करने के लिए कोई जानवर मिल जाए। अफसोस की बात, उस दिन उसको कोई मिला नहीं। तो वो जाता है गाँव की ओर शिकार ढूंढने के लिए कि वहाँ पे गाय के बछड़े, बकरी, इंसान, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जिसको वो खा लेगा। जाता है, एक कुत्तों का झुंड सामने नज़र आता है। उसने सोचा नहीं कि आखिर ये यहाँ अलग से खड़े होकर भौंक क्यों रहे हैं उसे देख के। वो चुपचाप आगे चला जाता है। वहाँ बड़ा होता है एक धोबी का घर के बाहर एक ड्रम, और उस ड्रम के अंदर था नील वाला पानी। उसने देखा कि कोई है नहीं शिकार करने के लिए, कोई है नहीं, कुछ मिल नहीं रहा, तो वो उस ड्रम के अंदर रात भर सो जाता है। अब उस ड्रम के अंदर तो था नील, अब वो जब अगले दिन उठता है वो बेचारा सियार नीला हो जाता है। अब सियार सोच में पड़ गया और उसका दिमाग की बत्ती सी कुछ ऐसी चली कि उसने कहा, अरे वाह, मैं तो नीला हो गया, अब मैं तो पूरे जंगल के सारे लोगों को उल्लू बनाऊंगा। यही सोच के वो चलता है वापस जंगल की ओर। जंगल में जाके उसने एक जानवरों की सेना, पूरी जानवरों की टोली को बुलाया, बातचीत करने के लिए एक मीटिंग रखी गई, जिसमें वो जाता है अपना नीला शरीर लेके और कहता है, क्या कभी आप लोगों में से किसी ने नीला रंग का जानवर देखा है? तो सब बोलते, ना ना, हमने तो नहीं देखा। तो कहते, मुझे भगवान से स्पेशल वरदान मिला है, मैं इकलौता नीले रंग का जानवर हूँ और मुझे यहाँ भगवान ने इस जंगल में राज करने के लिए बोला है। मैं आप सबको सही तरीके से कैसे रहते हैं वो बताऊँगा। तो सब मान लेते हैं। उसके बाद सियार कहता है कि भगवान ने बोला है कि इस जंगल में से सारे सियार को जाना पड़ेगा छोड़कर। तो सारे सियार चुपचाप मान लेते हैं। अब सियार ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर बाकी सियार रहेंगे तो उसकी पोल खुल जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसा ही चलता गया। अब रात हुई, अब रात को सारे सियारों की आदत थी आवाज़ निकालने की, हुंकार लगाने की। इसने भी लगा दी और अगल बगल के सारे जानवरों को इसका राज पता लग गया कि ये कोई नीले रंग का स्पेशल जानवर नहीं है, ये तो कोई सियार ही है। फिर क्या, सारे जानवर आए, सब ने उसको मार के खा लिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से एक ना एक दिन आपकी सच सामने आएगी और जिस दिन वो सच सामने आएगा उस दिन आप बचेंगे नहीं। इसी के साथ ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।